हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने अप्रोक्स सभी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 3, 4, 5 to 50 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड कार्ड बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये बोला रहा है, एक कार्ड गिवेन है जिसपे 3 से 50 तक के नंबर्स मार्क किए हुए हैं, राइट किए हुए हैं, और उसे एक बॉक्स में मिक्स कर दिया जा रहा है, और उसमें से रैंडम एक कार्ड हमें पिक करना है, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड हम निकालते हैं उसपे उस कार्ड पर लिखा हुआ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउट। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि इसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या है एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे। यहाँ पे नंबर गिवन है 3, 4, 5 to 50, मीन्स कि इसके बीच में सारे नंबर्स हैं, 5 से लेके 50 तक के सारे नंबर इसके बीच में इंक्लूड हैं। तो हमें ये पहले देखना होगा कि टोटल नंबर क्या होगा। आप देख रहे हैं 3 से लेके 50 तक के रेगुलर नंबर हैं। अगर हम देखते हैं तो 1 से 50 तक में टोटल नंबर 50 होते हैं, बट यहाँ आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में 1 एंड 2 दो नंबर मिसिंग है, दो नंबर यहाँ पे नहीं है। तो 50 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 48, मीन्स कि यहाँ पे टोटल नंबर्स हैं 48। इसका मीन ये होगा कि टोटल नंबर आउटकम इक्वल्स टू 48। अब हमें फेवरेबल आउटकम फाइंड आउट करने हैं। फेवरेबल आउटकम का मीन ये है कि जिसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है, मीन्स कि हमें ये देखना है कि एक कार्ड को रैंडम पिक करने पे कितने परफेक्ट स्क्वायर कार्ड निकल सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि कितने परफेक्ट स्क्वायर कार्ड हो सकते हैं। तो 3 से लेके 50 तक के हम नंबर्स में देखते हैं कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। 3 तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 है, 4 होगा। आप देख रहे हैं 5 के बाद 9 होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप जैसे ऐसे देखते हैं, ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36 एंड 49। अब अगर आगे इसके नंबर हम राइट करते हैं तो हो जाएगा 64, जो 8 का स्क्वायर हो, 8 का स्क्वायर है, बट इस नंबर में 64 है नहीं, इसलिए हम केवल 4 to 49 नंबर ही ऐसे होंगे जो इस गिवन नंबर में इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे हम 64 नहीं ले सकते हैं। तो ये नंबर्स हो गए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मीन्स कि हमारा फेवरेबल आउटकम होगा 6, क्योंकि ये 6 नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं फेवरेबल आउटकम इक्वल्स 6। अब हम प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड विद परफेक्ट स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अभी यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6 होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, टोटल आउटकम्स हो गया 48। अगर इसे हम कैंसिल आउट करते हैं तो होता है 6, 8 जा 48, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8। एंड यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 1/8। इसके पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस मैंने डाल चुकी हूँ, आप उसे चेक कर सकते हैं।